अस्सलाम वालेकुम, आई एम अतीक जुताना, सीईओ ऑफ एज एसोसिएट्स। एज एसोसिएट के चैनल से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज आप सबके सामने आने का मकसद ये है कि बैरियर टाउन या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे कस्टमर के कमेंट्स थे इस हवाले से, तो इसलिए हमने चाहा कि आप सबके सामने वन बाय वन इस चीज़ को क्लियर करें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू गेन प्रॉफिट इन प्रॉपर्टी बिजनेस। अगर तो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कम अज़ कम उसको 7 साल के लिए आपने अपने एक माइंड बनाना है कि मैंने 7 साल उसको होल्ड करना है। अगर तो आपके पास होल्डिंग पावर है तो फिर आप प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करें। अगर तो आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो फिर तो मैं ये आपको कहता हूँ कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फजूल है, ठीक है। अगर तो आपके पास एक प्रॉपर्टी परचेज करने की पेमेंट है, आप उसके साथ एक प्रॉपर्टी को मैच्योर करें, उसका इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट करें। ऐसा ना करें कि भाई काफ़ी सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं एक प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान पे और साथ में दूसरी भी ले लेते हैं। तो आपके पास अगर एक प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के पैसे नहीं है तो आप दूसरी क्यों परचेज कर रहे हैं? तो उसमें हमेशा आपको लॉस ही होता है। आप 100% नहीं कह सकते कि हमें दोनों प्लॉट में प्रॉफिट ही होगा। तो अगर प्रॉपर्टी को देखा जाए तो अप एंड डाउन साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। एक ग्राफ होता है, कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे जा रहा होता है। तो थोड़ा सा ये आपने इसको मद्देनजर रखना है। तो अगर तो आप इसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप कोई विला ले लेते हैं, कोई घर ले लेते हैं, तो उसको आप रेंट पे लगा देते हैं, तो आपको रेंटल वैल्यू भी आती है, और उसको 8-10 साल बाद जाके अगर आप घर को सेल करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट उसमें भी हो जाता है। इसी तरह कोई आप कमर्शियल शॉप्स या कमर्शियल ऑफिसेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप उसको भी रेंट पे भी लगा सकते हैं। कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जैसे बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, कोई और ब्रांड्स हैं वो भी आपसे रेंट पे ले लेते हैं, तो आपको वो भी रेंटल वैल्यू अच्छी मिल जाती है। और इसी तरह आपकी डे बाई डे प्रॉपर्टी में भी प्राइसेस के हिसाब से अगर देखा जाए इंक्रीज होते रहते हैं, तो आपको दोनों साइड से प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टी अगर जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं, ठीक है, अगर वो परचेज कर रहे हैं तो कम से कम उसको मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको कम से कम 7 साल के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड करना है। प्रॉपर्टी जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी में कम से कम आपको ये है कि एक लॉन्ग टर्म अपने माइंड में बना के कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, ठीक है। इनके काफ़ी सारे यानी कि प्लॉट्स आते हैं, डील्स आती हैं बैरियर टाउन में, DHL में, तो लोग जो हैं उनमें एक फाइल परचेज करने की ताकत होती है, मगर वो 8-10 फाइलें परचेज कर लेते हैं। तो कम से कम अगर जो आपका बजट अगर एक प्लॉट का है तो एक प्लॉट ही परचेज करें। और शॉर्ट टर्म आप ये मकसद नहीं है कि 1-2 महीने में आप अपना प्लॉट उसको सेल करेंगे, अच्छे पैसे आपको मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है 1-3 साल, यानी ये आपकी शॉर्ट टर्म है। और लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए कम से कम 7-8 साल ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर जाके आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करें और फिर उसमें आप अपना बेनिफिट इंजॉय कर सकते हैं। तो बहरिया टाउन के अंदर भी काफ़ी सारी डील्स आती हैं, ठीक है। तो आप अगर वो लेते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान पे तो आप अपनी वो इंस्टॉलमेंट प्लान पूरी करें। अगर आप वो 2 प्लॉट ले रहे हैं, आपके पास 1-2 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हो जाती है, तो बहरिया जाहिर सी बात है बैरियर के पास पेमेंट जाएगी तो वो अपना ब्लॉक जो है वो बना सकेंगे या अपने प्लॉट्स जो हैं वो कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो आप जो है अगर 1 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होती जाती है तो आप उसको सेल कर देते हैं। तो यहाँ की मार्केट में अगर देखा जाए हर टाइम इन्वेस्टर होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं, आपका हर टाइम बाइंग सेलिंग हो रही होती है, काफ़ी लोग प्लॉट परचेज करते हैं। अगर आपने एक दिन में प्लॉट सेल करना हो तो आपका इजीली प्लॉट सेल हो जाता है, आपकी पेमेंट रिटर्न हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर तो आप जाहिर सी बात आपको पेमेंट अगर चाहिए होती है, आपने आपको अर्जेंट चाहिए पेमेंट, क्योंकि आपने एक प्लॉट की पेमेंट आप नहीं दे पा रहे, आपने कहीं और पेमेंट करनी है, तो इसलिए आप उसको कैश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर भी हैं, क्योंकि हम लोग भी प्लॉट परचेज कर सकते हैं, हम लोग भी यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ये है कि आप तो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप शॉर्ट टर्म में आते हैं कि आपको डेली बेसिस की जो मार्केट होती है उसका आइडिया होना चाहिए, जो प्राइसेस हैं अप डाउन हो रही हैं आपको उसको प्रॉपर पता होना चाहिए। आप तो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी न किसी कंपनी में, चाहे आप यानी कि प्लॉट परचेज कर लेते हैं और फुल टाइम तो आप अपने ऑफिस में बिजी होते हैं और रात को आप आते हैं और अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू पर मालूम करते हैं, तो वो एजेंट तो आपको बता देते हैं जी अभी इस टाइम आपको 2 लाख प्रॉफिट मिल रहा है, 3 लाख प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप
अपना सबसे पहले एक माइंडसेट बनाए कि मैंने अपने प्लॉट को 5 लाख 10 लाख या 20 लाख उस लोकेशन के हिसाब से कि इतना जब प्राइस आ जाए कि मैंने उस टाइम अपनी प्रॉपर्टी को टच करना है या उसकी नॉलेज लेनी है या उसको सेल करना है। तो प्रॉपर्टी में आप जिस टाइम भी इन्वेस्टमेंट करें तो कम अज़ कम उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके, चाहे वो किसी एजेंट से आप ले रहे हैं, चाहे वो आप किसी अपने रिलेटिव से ले रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर नॉलेज लेके फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, किसी अच्छी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करें, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, कोई चाहे वो कोई भी सोसाइटी है, चाहे वो DH है, बैरिया है, चाहे कोई और अच्छी सोसाइटी है, तो हमेशा अच्छी सोसाइटी के साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट लेके चलें, क्योंकि ये आपकी सेविंग है, इसको बिल्कुल ज़ाया मत होने दें। तो अभी मैंने तो काफ़ी सारी कोशिश की आपके क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए, तो इंशाल्लाह जो मज़ीद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन बिल्कुल दबाइएगा। थैंक यू सो मच।